अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी पार्किंग में एक छोटा सा सीन हो गया अभी अभी बिल्कुल, जो मुझे मेरे तो बिल्कुल जो है ना सर के ऊपर से गया है कि ये हुआ क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा सीन हुआ है हमारे साथ। और सीन कुछ ये है, मैं आपको बताता हूँ। और सीन हमारा ऐसा है कि यार ये हमारी पूरा सेटअप है जो आप लोगों ने देखा हुआ होगा। बेटा थोड़ा सा हटना, ये हम लोगों ने बकरे और हमारे चूजे, हमारे लहबा लारेब, हमारे बर्डलिन, तो ये सब यहाँ पर रहते हैं। ये हमारी मुर्गी है, मैं आपको करीब से दिखाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग बताना कि कैसा हो सकता है ये सीन। यार ये हमारी मुर्गी है, सही है। इसके जो है ना, इसने इसको हमने बिठाया था अंडों पर, सही है। इसको हमने अंडों पर बिठाया था और इसने तीन बच्चे निकाले थे। इस मुर्गी ने तीन बच्चे निकाले थे, हमने 15 अंडों पर बिठाया था, तीन बच्चे निकाले थे। और अब कल तक ये बच्चे तीन, अच्छा कल तक ये चूजे जो है ना, ये चूजे कल तक तीन थे देखो, और अब ये दो है। हमारी समझ से बाहर है कि एक चूजा गया कैसा। इन पिंजरों से, इस पिंजरे से अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से ये चूजा निकले बाहर। इस पिंजरे में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से ये चूजा बाहर निकले। और ये पार्किंग में हमारा ये गेट बंद रहता है, सही है भाई। और ये नीचे हम लोगों ने नेट लगाए हैं सारे, और बिल्ली का भी आने का यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम लोग सारे यही परेशान है कि यार चूजा गया तो गया किधर। मुझे तो ये लग रहा है कि यार पार्किंग में जो है ना कोई सीन है। मुझे तो ये लग रहा है मुझसे भाई कि पार्किंग में जो है ना कोई सीन आ गया। डब्बे का डंडा भी देखो, दाना कैसे गायब हो सकता है यार। मैं तो कह रहा हूँ चूजा, अबे कोई जगह नहीं है यार इधर, इसमें जाने की निकलने की ना, वहां से बिल्ली आने का कोई रास्ता है। हम लोगों ने नीचे नेट लगाया हुआ है, बाकी पार्किंग आप लोग देख ले हर जगह से पैक है। इसके ऊपर से बिल्ली आ नहीं सकती क्योंकि नीचे पंखा लगा हुआ है, वो बिचारी खुद ही खड़ी रहेगी अगर कोशिश करेगी तो। उसके अंदर भी जाली है, सही है। और कोई रास्ता नहीं है बिल्ली के आने का, अगर बिल्ली ऐसा कर सकती है तो ऐसा। यार हमारी समझ से बाहर है कि यार ये चूजा गया तो गया किधर। यार आप लोग मेरे को बताएं कि ये क्या सीन हुआ है। कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक तरीके की मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हुई है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते यार, क्या पता हुआ हो कुछ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो एक मरतबा पहले भी सीन हुआ था, जो इसके अंदर से हमारा एक चूजा गायब हुआ था वांग भाई, लेकिन वो तो सीन ये था कि उसके अंदर से गेट बड़ा वाला जब हम आए थे तो गेट खुला हुआ था और चूजे बाहर थे, तो उसका समझ में आता है यार गेट खुल गया होगा, चूजे बाहर आ गए, बिल्ली ने पकड़ लिया, कुछ कर लिया सीन। इसका तो गेट भी बंद, हर चीज बंद, लेकिन फिर भी हमारा जो एक चूजा है बेचारा वो हम में नहीं रहा। पता नहीं गार कोई कोई चोरी करके ले जा सकता है ऐसा, लेकिन पार्किंग हम लोगों ने खोली थी आज। नहीं, आज तो हम लोग पार्किंग नहीं खोली, आज पूरा दिन पार्किंग नहीं खुली। तो तुम लोग कब आए जब तुम लोगों ने ये देखा? मैं तो अभी आया हूँ रात में। मैं भी अभी दाना देने आया ना चूजों को, तो मैं जगह कुछ गई नहीं। सुबह तक था, सुबह तक ये बता रहे हैं कि सुबह तक ये चूजा इधर मौजूद था, लेकिन ये दिन ही दिन में कोई काम हुआ है यार। वो पार्किंग बंद थी, ये पूरा गेट बंद हो जाता है, ताला लग जाता है, बंदे भी आने की कोई रास्ता नहीं है, बिल्ली भी आने का कोई रास्ता नहीं है। और बिल्ली अगर कुछ करती भी है इसके साथ, इस पिंजरे के साथ अगर बिल्ली कुछ करती भी है तो वो कोई, मुझे लग रहा है कि वो अंदर ही उसको मारेगी, बाहर कैसे नहीं मारेगी। अंदर ही पंजा मंजा डाल के मार देगी चूजे को। वो तो मुर्गी भी है उसकी अम्मा, वो तो मुर्गी तो ऐसे मिलेगी बिल्ली के साथ। तो भाई ये मेरे को तो समझ से बाहर है, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये सीन क्या हुआ बेचारा। बस ये है कि चूजा गायब हो गया पैरानॉर्मल तरीके से, एक ऐसी एक्टिविटी हमारी पार्किंग में फर्स्ट टाइम है। तो ये और मुझसे भी बता रहा है कि ये दाना गायब हुआ है, लेकिन चलो वो तो किसी ने खा लिया होगा। दाना वाने का तो इतना नहीं बोलते हम, इनमें से किसी एक ने कुछ खुले हुए हैं, क्या पता इन्होंने खा लिया हो। लेकिन ये चूजे का तो कोई बहुत ही ऐसा सीन हुआ है, और मुर्गी सुबह से बेचारी जो है ना ये परेशान हो रही है, चिल्लाई जा रही है, चिल्लाई जा रही है, चिल्लाई जा रही है, हर जगह देख रही है। यार आप लोग बताएं कुछ समझ आ रहा है कोई ऐसा सीन के हुआ क्या है ये अचानक से जो सीन हुआ, और रात में भी नहीं हुआ दिन में हुआ, सुबह तक ये चूजा मौजूद था। अब तक किसी के साथ अगर ऐसा हुआ हो तो हमें बताएं कि यार ऐसा हो सकता है, कोई तजुर्बा हो या कुछ हो कि क्या पता मुर्गी अपने बच्चों को खुद ही मार के खा जाए, क्या पता ऐसे कर देना। हर बार कुछ तो मिले, कोई एक चीज़ तो ऐसी मिले जो पता लगे कि यार चूजा इधर ही मौजूद है, चूजा गायब है, कोई इतना सा पर भी नजर नहीं आया उस चूजे का। यार तीन चूजे थे और अब सिर्फ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दो रह गए यार, हमारी समझ से बाहर है। कौन से वाले चूजे के साथ? इसके साथ भी यही था ना तुम्हारे पास ना, यही सीन होता है, पहले भी तीन निकले थे दो रह गए, और अब भी तीन निकले थे और दो ही रह गए। यार मुझे लग रहा है ये ना, नहीं नहीं ज्यादा घंटा नहीं कराया हुआ किसी ने भी, ये लग रहा है पार्किंग में होता है कई कई जगहों पर जो है ना, रात नहीं होती वो चीज़ें, तो फिर वो जो है ना ऐसे सीन होता है कि वाचों में गायब होती रहती है। तो इधर क्या कर रहे हैं यार? वही तो अभी क्या करें, अब बंदा क्या करे। वैसे तो अगर तुम वो सामान गायब हो गया, तीन चूजे और
अच्छा एक सीन ऐसा हुआ है, सीन बिल्कुल यहाँ पर इत्तेफाक कह लो, पहले भी अंडे कितने रखे थे तुमने? 10 अंडे रखे थे, 3 बच्चे निकले थे। इस बार भी 15 अंडे रखे हैं, सिर्फ 3 बच्चे निकले, और उसमें से भी पहले वाले बच्चों में भी 3 में से एक बच्चा गायब हो गया था, सही है, और ये वाले 3 बच्चों में से भी एक बच्चा गायब हो गया। समझ में नहीं आ रहा यार कहाँ चला गया वो बच्चा, बिल्कुल पिंजरा विंजरा हर चीज बंद, हर चीज बंद, ये देखो पिंजरा बिल्कुल बंद है, मुर्गी भी है ना, ऐसा कोई सीन हो सकता है, चीजें गायब हो जाती हैं, हो सकता है ऐसा। हम भी ये बात कर रहे हैं कि अचानक यार ऐसा कुछ भी जो सीन होता है कि हर चीज बंद है, बिल्ली के भी आने का कोई रास्ता नहीं है भाई, कोई भी रास्ता नहीं है। वो नीचे भी पहले आती थी बिल्ली, जो हमारा खरगोश खाया बिल्ली ने, वहां से आती थी, लेकिन वहां पे हमने नेट लगाया। करेगी क्या पिंजरे के अंदर से बाहर कैसे निकालेगी, कैसे निकालेगी, मुर्गी मारेगी भाई, पिंजरा तो पूरा बंद है। आज मुर्गा भी खुला हुआ था यार, हम लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोगों को कुछ समझ आया अगर ये वीडियो देखने के बाद तो हमें बताएं कि क्या सुनो, हमारे चूल्हे क्यों गायब हो रहे, पहले भी 3 निकले थे, 2 रह गए, अभी भी 3 निकले थे और 2 ही रह गए। तो भाई अगर आप लोगों को समझ आता है तो हमें बताएं कि यार ये क्या सीन है, और यही था आज की वीडियो में आप लोगों को बताना था कि ये सीन हमारे साथ हुआ है। काफ़ी दिनों बाद वीडियो पोस्ट होगी, तो कोई बात नहीं, अब आगे अगर ऐसे कोई कॉन्टेंट हमारे पास आता रहेगा तो हम आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।